अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। आदर्श कंदोरी एंड फंक्शन हॉल हजरत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह के कमान के करीब दरगाह रोड परभणी, आपके घर की न्यास, कंदोरी, शादी, उत्सव या त्योहार, एक ही ठिकाना आदर्श कंदोरी हॉल। बिजली पानी सभी सुविधाओं से भरपूर, एक बार जरूर विजिट करें। प्रोपराइटर हाजी अमीर, मोबाइल नंबर 9595534374, शेख अकरम 9868960053, शेख रफीक 9561885855। कम रेट में जो है तो आपके जो कंदोरी दिए जाते हैं सभी से जो है तो हमारे प्रार्थना करें। शेख इमरान, शेख अर्शिया और शेख फरहान, इन तीनों भाई बहनों का जीवन का पहला रोजा। परभणी के कृषि नगर में रहने वाले सहारा डिजिटल गंगाखेड़ नाका स्थित के मालिक प्रोपराइटर शेख रफीक, इनके बच्चे शेख इमरान उम्र 12 साल, शेख अर्शिया उम्र 11 साल और शेख फरहान उम्र 9 साल, इन तीनों बच्चों ने इस्लाम के एक फराइज के अदायगी करने का प्रयास कर अपने जीवन का पहला रोजा इतने शिद्दत के धूप में आज तारीख 22 अप्रैल 2022 शुक्रवार के रोज रखते हुए इसको पूरा मुकम्मल करने पर उनके दादा शेख मूसा, दादी, नानी और बड़े चाचा, बड़े चाची, मामा, मामी, नगर सेवक फारूक बाबा, इजुलाला, सामाजिक कार्यकर्ता शेख अजीज उर्फ बादल भैया के साथ दोस्त अहबाब ने सराहना करते हुए मुबारकबाद देते हुए दुआओं से नवाजा। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। दिल्ली में हुए घटना के दोषी भगवाधारी गुंडों को तुरंत हिरासत में लेकर सख्त कार्रवाई करने की मांग का निवेदन आज तारीख 22 अप्रैल 2022 शुक्रवार के रोज दोपहर 12 बजे के दरमियान कुल जमाते तंजीम पाथरी की ओर से पाथरी तहसीलदार द्वारा राष्ट्रपति को दिया गया। इस समय तंजीम जमात के हाफिज जब्बार खान, अब्दुल नईम अंसारी, मोहम्मद शफी फारूकी, खालिद फारूकी, अशफाक और सौदागर, शकील अंसारी, अहमद अंसारी के साथ बड़ी संख्या में पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद थे। आज समस्त पाथरी वासियों की जानिब से तहसीलदार के माध्यम से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक निवेदन दिया गया है और उस निवेदन में देश की अखंडता, देश में एकता को जो खतरा लाहक हो गया है उसके विरुद्ध एक गुस्से का इजहार हम पाथरेवासी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि एक ज़माना था कि जो जुलूस निकाले जाते थे, जो मिरवणूक निकाली जाती थी या कोई धार्मिक जुलूस भी निकाला जाता था या कोई शोभा यात्रा निकाली जाती थी तो वो देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए, भाईचारे के लिए, सद्भावना निर्माण करने के लिए निकाली जाती थी। अचानक ये देश को क्या हो गया है 2014 के बाद और 2019 के बाद कि अब जो शोभा यात्राएं निकल रही हैं, चाहे वो रामनवमी के नाम पर हो या किसी और नाम पर हो, उससे आखिर एकता, अखंडता और भाईचारा पैदा होने के बजाय फसाद क्यों हो रहा है, दंगे क्यों हो रहे हैं, पथराव क्यों हो रहा है? और आजकल की ये शोभा यात्राएं मुस्लिम मोहल्ले से ही क्यों जानबूझकर निकाली जा रही हैं? आजकल की ये मिरवणूक या जुलूस मस्जिदों के पास जाकर ठहर कर ही जो है ऐसी घोषणाएं क्यों करता है जो इस्लाम के विरोध में है, जो मुसलमानों के विरोध में है? आखिर आज का ये हमारा युवक 2019 के बाद ऐसा क्या हुआ कि वो अपने ही देश की मस्जिद पर चढ़कर भगवा झंडा लहराने की कोशिश करता है, उसका अपमान करने की कोशिश करता है? इसका मतलब ये हुआ है कि देश को कहीं और लेकर जाने की कोशिश की जा रही है, देश को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, हमारा आपसी विश्वास ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, देश की अखंडता को खतरा है, भाईचारे को खतरा है, सद्भावना समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। अगर वक्त रहते हमारा देश नहीं जागा, अगर वक्त रहते हमारे देशवासी नहीं जागे तो देश का भविष्य बड़ा खतरे में है, हमारे आने वाली जनरेशन का भविष्य खतरे में है। आपसी अविश्वास जो निर्माण किया जा रहा है और जो दंगे भड़काए जा रहे हैं और जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है ताकि मुसलमानों को जो है तो जोश में लाया जा सके, रिएक्शन दिया जा सके। अब मुझे आप बताइए, एक मिसाल देकर मैं समझाता हूँ। अगर आप रास्ते से जा रहे हैं, एक पागल कुत्ता अगर जो है तो आप पर भौंक रहा है या जो है तो आपको काटने के लिए दौड़ रहा है तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कि आ मुझे काट ले या उसको दूर भगाने की कोशिश करेंगे? जाहिर बात है कि आप दूर भगाने की कोशिश करेंगे। जब ऐसा ही मुसलमान कर रहा है कि अपने बचाव के लिए वो कुछ रिएक्शन दे रहा है तो पुलिस भी और प्रशासन भी मुसलमानों के विरुद्ध ही एक्शन ले रही है, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, न्यायपालिका समाप्त हो चुकी है, कोर्ट। खुशखबर, 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 डायमंड हॉल दरगाह के बाजू सभी चीजों से दस्तियाब, बड़े और खुशनुमा हॉल, लेडीज और जेंट्स के लिए अलग अलग रास्ते, सेपरेट लेडीज हॉल, शादी रिसेप्शन अन्य प्रोग्रामों के लिए एक ही नाम डायमंड हॉल, खास तौर पर रमजान मुबारक में इफ्तार प्रोग्रामों के लिए फ्री हॉल, जी हाँ फ्री फ्री, एड्रेस दरगाह के करीब परभनी,
कैटरर्स की सुविधा, शादी वलीमा, दिगर प्रोग्रामों के लिए एयर कूलर बिछाए, सभी प्रकार के मंडप स्टेज के डेकोरेशन के लिए सेवा मंडप लाइट डेकोरेशन, एक बार विजिट करके सेवा का मौका दे। एड्रेस गणेश नगर डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज रोड परभनी, प्रोप्राइटर शेख मुदसिर, मोबाइल नंबर 7380508050 और 8481-8501-36। एसआई अमोल गंगलवाल को किया निलंबित, एसपी जयंत मीना के आदेश। कर्तव्य में लापरवाही और सुस्ती बरतने को लेकर पाथरी के पुलिस थाने के पीएसआई अमोल विठल गंगलवाल इन्हें सरकारी सेवा से निलंबित किया गया है। इस तरह की आदेश जिले के कर्तव्य अध्यक्ष एसपी जयंत मीना इन्होंने जारी किए। निलंबन के दरमियान उनके मुख्यालय पुलिस कंट्रोल विभाग रहेगा, ऐसा आदेश जारी किया है। इस बारे में मिली जानकारी यह है कि पाथरी पुलिस थाने के हद में लाडन आंध्रा स्थित यात्रा जो बंदोबस्त में पीएसआई अमोल गायकवाड़ इन्हें सूचना दिए गए थे, परंतु तबीयत की वजह बताकर गंगलवाड़ बंदोबस्त के लिए नहीं गए। वरिष्ठों ने दिए हुए आदेश का पालन नहीं किया और उसकी सूचना भी नहीं दिए। साथ के कर्मचारियों के साथ मिलकर बंदोबस्त की जगह पर नहीं जाते हुए वरिष्ठों के दिशा भूल गिर तो इस तरह के मामले से अवैध धंधे वालों पर कार्रवाई करने में बाधाएं निर्माण हुए हैं। बंदोबस्त को नहीं जाने से कानून व्यवस्था का प्रश्न निर्माण होकर पुलिस विभाग के प्रतिमा को धक्का पहुंचा। कर्तव्य में लापरवाही और गैर जिम्मेदारी अपनाने पर एसपी जयंत मीना इन्होंने पीएसआई अमोल गंगलवाड़ इन्हें सरकारी सेवा से निलंबित किया है। महामंडल की बस और टाटा सोमो की टक्कर में युवक की मौत, जिंतूर परवनी रास्ते पर पांगरी पार्टी के करीब हुई दर्दनाक घटना। जिंतूर परवनी रोड पर पांगरी पार्टी के करीब बस और टाटा सोमो की आमने सामने जोरदार एक्सीडेंट में तहसील के कड़स गांव में संघ स्थित 28 साल के युवक की जगह पर ही मौत होने की घटना तारीख 21 अप्रैल 2022 गुरुवार के रात 10:30 बजे के दरमियान हुई है। तहसील के कड़स गांव स्थित रहने वाले 28 साल के सुनील दत्तराव अंबोरे ये टाटा सोमो क्रमांक MH 28D5777 गाड़ी लेकर परवनी की ओर आते समय पांगरी पार्टी के परवनी से जिंतूर की ओर आने वाली बस क्रमांक MH 20BL 1777 इस बस की आमने सामने जोरदार टक्कर हो जाने से दोनों गाड़ियों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। इस जोरदार हुए टक्कर में टाटा सोमो ड्राइवर सुनील अंबोरे की जगह पर ही मौत हुई है। इतना खतरनाक हादसा रहा कि टाटा सोमो गाड़ी ड्राइवर की मृत शरीर को स्टीयरिंग से फंसा हुआ था, उसे पुलिस और सामाजिक कार्यकर्ता नागेश आकार, एम्बुलेंस ड्राइवर विजय राठौर इन्होंने तकरीबन 1 घंटे तक मशक्कत करते हुए मृत शरीर को निकाला। लाश को ग्राम अस्पताल में दाखिल किया गया। ग्राम अस्पताल के डॉक्टर अनीफ खान और सिस्टर गावित आदि ने जांच कर ड्राइवर सुनील अंबुरे उम्र 28 साल कड़सावंगी तहसील जिंतूर इसे मृत घोषित किया है। औरंगाबाद पुणे बड़े सिटीज में जाने की जरूरत नहीं, अब परभनी में भी हर प्रकार के दवाखानों, मेडिकल के फर्नीचर उपलब्ध। एयर ग्रुप प्रोडक्शन, एयर स्टील और टाइप फर्नीचर, हॉस्पिटल और मेडिकल में लगने वाले सभी प्रकार के फर्नीचर और रैक तैयार करते हुए दुरुस्त किए जाते हैं। हमारे पास लैंड बेड, सेमी फोल्डर बेड, फुल फ्लोर बेड इन ICU, क्रैश कार्ट, मेडिकल रैक, मॉल रैक, जनरल स्टोर रैक, एग्जामिनेशन टेबल विद गैनिक एग्जामिनेशन टेबल, टी टेबल, ECG ट्रॉली, मॉनिटर ट्रॉली, स्ट्रेचर ऑन ट्रॉली, डबल SC फोल्ड ट्रॉली, अन्य ट्रॉली और अन्य प्रकार के फर्नीचर बनाए जाते हैं और दुरुस्त किए जाते हैं। संपर्क एयर स्टील फर्नीचर प्रोप्राइटर शेख नवीद, मोबाइल नंबर 9225-31-31-10, 41-150-31-31-10, एड्रेस गंगाखेड़ नाका परली गेट पर। वसंतराव नाईक कृषि विश्वविद्यालय का 24वां दीक्षांत समारंभ संपन्न। परभणी के वसंतराव नाईक मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय का 24वां दीक्षांत समारंभ आज तारीख 22 अप्रैल 2022 शुक्रवार के रोज सुबह 11 बजे संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में 2020-21 इस वर्ष के विविध विद्याशाखा के कुल 4232 स्नातकों को डिग्री का प्रदान की गई। राज्यपाल और विश्वविद्यालय के कुलपति भगत सिंह कोश्यारी ये सम्मेलन के अध्यक्ष स्थान पर रहकर वो दूरदृश्य प्रणाली द्वारा हाजिर रहे। इस प्रोग्राम में प्रमुख अतिथि के तौर पर कृषि मंत्री दादा भुसे, परभणी चुनाव क्षेत्र के विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल ये रहते हुए राजस्थान के महाराणा प्रताप कृषि और तंत्रज्ञान विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर नरेंद्र सिंह राठौड़ ये इनका मुख्य दीक्षांत भाषण रहा। मंच पर कुलगुरु डॉक्टर अशोक धवन इनके मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। सर्व भगिनींना मला सांगायला आनंद होतो, 2022 या वर्षाच्या पासून महिला शेतकरी आणि महिला शेतमजुरांचा सन्मान हे माननीय मुख्यमंत्री महोदयांचे आदेश आहे आणि त्याची प्रॅक्टिकल कृतीमधून कसं आपल्याला सन्मान करता येईल या दृष्टिकोनाचा मार्गक्रमण करण्याचा निर्णय कृषी विभागाने त्या ठिकाणी केलेला आहे। Okay.
यही हमारा काम होते थे क्योंकि आप देख रहे हैं कि योग कितने जल से लड़ रहे हैं, कैसे योग के प्रकार से सादगी के साथ सिर्फ पेंट खजूर पर हुई शादी। परवनी में आज तारीख 22 अप्रैल 2022 शुक्रवार के रोज परवनी के हैदराबाद मस्जिद में बाद असर यानी कि शाम के 5 बजे शादी के रस्म की अदायगी हुई। ये शादी बड़े ही सादगी के साथ सिर्फ पेंट खजूर के दावत पर की गई। परवनी के हैदराबाद फ्लैट पर रहने वाले शेख जैनुद्दीन मुल्ला इनके लड़के पाशा मुल्ला इनके भतीजे तो गुड लक बेकरी हैदराबाद फ्लैट मस्जिद कॉम्प्लेक्स में प्रोपराइटर हाफिज खैसर इन्होंने अपनी शादी में दहेज के जोड़े की रकम ऐसे ढकोसले वाली रिवाजों को ठुकराते हुए बड़े ही सादगी के साथ शादी की। इस शादी में राजनीतिक सामाजिक डॉक्टर और शहर के प्रतिष्ठित नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद थे। परवनी में बच्चियों की शादी सादगी से करने का रिवाज परवनी के मनपा के पूर्व उप महापौर मनपा सभागार नेता सैयद समी उर्फ माजू लाला इनके बच्ची की शादी से शुरू हुआ है। उसी के नक्शे कदम पर आज यानी कि रमजान के महीने में विशेषकर शादी होने पर सैयद समी उर्फ माजू लाला उसी तरह कांग्रेस के महानगर जिला अध्यक्ष नदीम इनामदार मौलाना जहीर अब्बास मौलाना मुजीब दहलवी शेख इसरार हाफिज इब्राहिम शेख अफसर हाशमी इब्राहिम भाई बसेरा आदि ने मुबारकबाद दी है। अस्सलाम वालेकुम आदाब नमस्कार। परवनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। आज 22 अप्रैल के रोज़ जुमा का दिन और रमज़ान के महीने में एक अजीमुशान मामला परवनी में हुआ है। ये हम ये बात ये बता रहे हैं कि हाफिज खैसर साहब इनका आज निकाह हुआ है हैदराबाद फ्लैट के मस्जिद में और वो भी इतने सादगी के साथ कि हमारे पास यहाँ के सभागार नेता सैयद समी उर्फ माजू लाला इन्होंने एक नियम बना दिया है कि उनके बच्ची के शादी में किसी प्रकार का फजूल खर्च ना करते हुए सिर्फ खजूर पे ही शादी की जाए। उसी को लेकर आज परवनी में दूसरा दस्त यहाँ पर निर्माण हुआ है और यहाँ के हमारे हाफिज खैसर साहब ने वो शादी की है सादगी से और हम उनसे पूछते हैं कि भाई आज उन्होंने जो इस रमज़ान के मौके पर इतना आसानी से जो निकाह किया है इसके बारे में हमारे व्यूअर्स और दर्शकों को बताएं आने वाले दिनों में किस तरीके से पैगाम लागे के लोगों को पहुँचेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह का करम रहा एहसान रहा कि सादगी के साथ तो एक सुन्नत को अदा किया गया है और तमाम से ये गुजारिश है कि सादगी के साथ निकाह किया है। जिस बच्ची से निकाह किया है उस फैमिली से किस तरीके से आपने उम्मीद लगाई है और हमारे व्यूअर्स और दर्शकों को बताया कि वो भी किस आने वाले दिनों में नौजवान अपने इस तरीके से सादगी शादी करें उसके लिए आप क्या अपील करेंगे? बिल्कुल तमाम से गुजारिश है सुन्नत के मुताबिक सादगी से निकाह किया जाए, फजूल खर्ची से बचा जाए। जो खैसर जो आपने खानी हाफिज खैसर की सादगी में एक मिसाल कायम कर दी है, कुछ भी नहीं, कोई डिमांड नहीं रहा कुछ। आप जो बच्चे ने आप जो निकाह किया है आज ये रमजान के मौके में जो तो पहली मरतबा शादी पहली मरतबा देखने और मौके आते जाएंगे इंशाल्लाह। हर रमजान में ऐसे मौके होते जाएंगे इंशाल्लाह। अपने निकाह में इनके तमाम हकूक और तयशुदा महर के रिवर्स कबूल और मंजूर किए। हाफिज खैसर साहब इन्होंने जो आज कारनामा अंजाम दिया है बिना किसी दहेज के बच्ची से निकाह किया है, आज बच्ची के वालिद मौजम मुल्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे पूछेंगे कि आज ये जो हाफिज साहब ने आपसे बच्ची से निकाह किया है कैसे आपको कैसा महसूस हुआ कि इसमें आपको कुछ हुंडा देना पड़ा या क्या है ये हमारे व्यूअर्स दर्शक को बताएं। मेरा नाम शेख मौजम मुल्ला है। जी तो आपकी आज जो बच्ची का निकाह हुआ है तो क्या आपको क्या है क्या मांग की कुछ डिमांड? कोई मांग नहीं, कोई डिमांड नहीं आए दो जने उन्होंने करके कर दिया। कहाँ पे हो? यहाँ पे हैदराबाद के मस्जिद में किया गया। तो आपने उसमें कुछ तोहफे के तौर पे या कुछ ऐसा कुछ दिया? नहीं 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 कुछ भी नहीं दिया। कुछ नहीं। ये थे बच्ची के वालिद, उनका ये कहना है कि हमने किसी प्रकार का कोई चीज़ नहीं दिया। हमारे साथ वो नौशा भी जुड़े हुए हैं जो हाफिज भी है और यहाँ पर उन्होंने जो आज
अपने जो ईमान का जो ताजगी रहती है, ये हमारे व्यूअर्स और दर्शकों को बार बार हम इसलिए बता रहे हैं कि हमारे पास आज जो मुस्लिम माशरे में जो हुंडाबड़ी के मामले हो रहे हैं, बच्चियों को छोड़ा जा रहा है, और ये छोड़ने की वजह यह है कि हुंडाबड़ी। लेकिन ऐसे लोग अगर से नौजवान बच्चे बिना जहेज़ के शादी करेंगे तो यकीनन आने वाले दिनों में अल्लाह ताला रहमत बरसाएगा। हम उनसे भी पूछते हैं और आने वाले नौजवानों के लिए आप क्या कहेंगे? अल्लाह के नबी की सुन्नत है कि तमाम नौजवानों से गुजारिश है कि सादगी के साथ निकाह किया जाए। आज जो आपने निकाह किया है, ये तो रमज़ान का महीना है, इसमें आप क्या बताएंगे? रमज़ान का महीना मुबारक महीना, उलमा इकराम से मशवरे के बाद ये फैसला किया गया था। ये पहली बार हम देख रहे हैं कि रमज़ान में शादी होते हुए, इसके बारे में क्या बोलें? पहली बार नहीं, इसमें ये हमेशा करना चाहिए। अच्छा, सिलसिला ये चालू हो गया इंशाल्लाह अभी यहाँ से। अच्छा, अब आने वाले रमज़ान में भी इंशाल्लाह आप देखेंगे कि निकाह होंगे इंशाल्लाह। हमारे साथ नौशा के चचा है पाशा मुल्ला जी, इनसे भी हम पूछेंगे कि आज जो यहाँ निकाह किया गया, बड़ी सादगी से आपके भतीजे ने निकाह किया है, खाली पेन खजूर पर जो तो निकाह हुआ जी, है जी। तो इस बारे में हमारे व्यूअर दर्शक को बताएं कि कैसा माहौल रहा और किस तरीके से आपका ये रिश्ता कैसा जुड़ा है इस बारे में? ये मेरे चाचा भाई है जी, मौजा मुल्ला, मैं पाशा मुल्ला जी। ये हमारा खून का रिश्ता है जी, ये हमारी नस्ल को एकदम जाके वहाँ जोड़ने के लिए मैंने इसमें ज़्यादा करा। मौजम भाई हमारा भाई बहुत गरीब मिजाज का आदमी है। अच्छा, क्या तो ये ख़ानदान भी दूर जा रहा था, तो ये ख़ानदान को जोड़ने का काम क्या तो डिमांड को विचे नहीं, डिमांड नहीं, मैं लेन देन का तो खिलाफ हूँ। दूसरे लोगों ने भी ऐसे ही निकाह करना चाहिए सादगी में, और मैं मेरे औलाद का भी ऐसे ही करके लाऊंगा, मेरे भांजों का भी मैंने ऐसे ही करके लाया, एक भतीजा भी ऐसे करके लाया, रसम को गए शादी करके लाया। ये थे हमारे साथ पाशा मुल्ला, जिन्होंने बताया कि उनके भाई की बच्ची की शादी अपने भतीजे से कराई है, और हम देखते हैं कि जिंतूर में एक हादसा हुआ है, सगे भाई ने सगे भाई को दौलत के लिए मारा है। ये भी हमारे आज न्यूज़ परभणी महानगर पे आज न्यूज़ लगी हुई थी, और आज ये हम खानदान देखते हैं कि एक जगह जुड़ाने के लिए किस तरह से मशक्कत की, और ऐसी करके खानदान एक दूसरे को जुड़ता रहा, तो हम ये देखते हैं कि आने वाले दिनों में अल्लाह ताला बिल्कुल हम पर रहमत के बारिश बरसाएगा, और मुसलमानों पर जो आ रही आफतें ऐसे ही माहौल की वजह से आफतें टलेगी, ये हमारी उम्मीद है। हमारी आज की न्यूज़ आज मुलाकात ली हुई आपको किस तरह पता नहीं, इसके लिए आपके कमेंट्स होना हमारे लिए ज़रूरी है, ताकि आने वाले नस्ल को भी इसका किस तरीके से इस्तेमाल हो इसको कमेंट्स के जरिए हमें बताएं, और हमारी न्यूज़ आपको किस तरह दिखाई दी इसके लिए शेयर्स, और साथ ही साथ अगर हमारा न्यूज़ चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। परभणी के सामाजिक कार्यकर्ता इमरान खान इनके जानिब से सुबेदार नगर अजमेर कॉलोनी में दावत इफ्तार का प्रोग्राम आज तारीख 22 अप्रैल 2022 शुक्रवार के रोज़ रखा गया, जिसमें पाथरी विधायक एवं कांग्रेस आयोग के जिला अध्यक्ष सुरेश राव वरपुड़कर ये मौजूद थे, उप महापौर भगवान राव वाघमारे, महानगर पालिका राष्ट्रवादी कांग्रेस के घट नेता जाकिर लाला, और उसी के साथ मुस्लिम विकास परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल सत्तार इनामदार, रवि सोन कांबड़े, स्थायी समिति सभापति गुलमीर खान, शकील मोहियुद्दीन, वंचित बहुजन आघाड़ी के धर्मराज चौहान, पूर्व नगर सेवक आहत खान, मिलिंद बामनीकर, नितिन सावंत, गोविंदगिरी शमशुद्दीन अंसारी, वहीद पटेल, साबिर मुल्ला, सजुलाला मित्र मंडल के बशीर अहमद के साथ बड़ी संख्या में विविध पक्ष के और संगठना के एनजीओ के पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद थे। और ये महाराष्ट्र में अभी चल रहा है कि बंगले बंद करो, ये सभी पूरा अभी गृह मंत्री ने आपको बताया होगा कि कल पेपर में भी पढ़े होंगे आपने, कि सभी पार्टी को बुला के एक रूल फ्रेम करने चाहते हैं, और ये कर मुझे कल परसों एक पेपर में पढ़ा था मैं प्रवीण तोगड़िया जी का, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था तोगड़िया जी ने कि 5 साल पहले यहाँ बीजेपी की सरकार थी, उस टाइम में भोंगे हटाए नहीं, लेकिन जैसे उनकी सरकार गिरी तो वो भोंगे हटाने का चौल चल रही है, और किसी वजह से सरकार को कैसा डिस्टर्ब करना, लोगों में कैसा पोलराइजेशन करना, लोगों में धर्म के अलग अलग धर्म का बंटवारा कैसा करना, ये उनकी कोशिश जारी है। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में और परभणी शहर में पूरे जमातों हो गए, पूरे हिंदू लोग हो गए, मुस्लिम समाज हो गया, माइनॉरिटी का समाज हो गया, बैकवर्ड समाज हो गया, ये पूरे एक जगह रहते हैं, और ऐसे इफ्तार पार्टी बहुत से लोग करते हैं। आज परभणी के सूबेदार नगर इलाके में दौरे इफ्तारी का जो प्रोग्राम रखा गया, और जो इफ्तार का प्रोग्राम रखने की वजह ये रही कि आज हमारे पास जिस तरह से हालात चढ़े हैं महाराष्ट्र में, कि कोई राजनीतिक कहता है कि मैं मस्जिदों से भोंगे उतारो, कोई कहता है कि मंदिरों के हालात ऐसे हो गए, लेकिन ये गंगा जमनी तहजीब है जहाँ पर रमज़ान में सभी समाज के और सभी पार्टी के लोग आकर यहाँ पर रोज़ा इफ्तारी करते हैं। इसका रखने की वजह यहाँ के इमरान खान इन्होंने यहाँ पर रखे हुआ प्रोग्राम था, हम उनसे पूछते हैं कि भाई रखने की वजह क्या रही, हमारे व्यूअर्स और दर्शकों को बताएं। सभी हजरात का शुक्रिया अदा करूँगा जो जो इस प्रोग्राम में आए,
जैसा कि कांग्रेस के आमदार सुरेश राव जी वरपुड़कर साहब आए और महापौर रवि सोनकांबळे आए, उपमहापौर भगवान राव जी वाघमारे, राष्ट्रवादी के जाकिर लाला, विकास लंगोटे और वंचित बहुजन आघाड़ी के जो है तो डॉक्टर धर्मराज चौहान और बहुत से दिगर गुलमीर खान साहब और बहुत से दिगर लोग थे। मैं सभी का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने हमारी एक आवाज़ पर लब्बैक कहा और आकर यहाँ पे इफ्तार पार्टी का प्रोग्राम का जो है तो उन्होंने उसमें शिरकत फरमाई। और मैं संदेश ये देना चाहूँगा कि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ रहने वाले लोग हैं, इस गंगा जमुना तहजीब में एक साथ रहने वाले लोग हैं। कभी हम उनकी दिवाली पे चले जाते तो कभी वो हमारे इफ्तार पे आ जाते। मैं महाराष्ट्र के गवर्नमेंट से ये कहूँगा कि वो जो कुछ तो भी राज ठाकरे बोल के कुछ तो भी नाम है उसका, अगर उसका ठाकरे निकाल दिया जाए तो सिर्फ राज रहता है और राज एक जोकर एक एक्टर का नाम, तो हम उसकी बातों को इजी लेते, ऐसा उसको नहीं मानते नहीं समझते कुछ। रही बात भोंगे उतारने की या 40 हनुमान चालीसा पढ़ने की, तो हम तो कहते हैं कि शौक से पढ़िए, हमको कोई आपत्ति नहीं है और उसके अलावा किसी को तकलीफ़ भी नहीं हुई आज तक अजान से। खैर वो चलते रहेंगे, हम इससे ये संदेश देना चाहेंगे कि हम हिंदू मुस्लिम एक है और एक रहेंगे। और अगर इतना ही इनको करने का ही था तो जब यहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट थी, जैसा कि प्रवीण तोकड़िया ने बीच में कहा कि बीजेपी गवर्नमेंट रहने पर ही इन्होंने करना था, जब इन्होंने नहीं कर सके फिर अब तीनों की जो सरकार बनी हुई है इसमें दखलअंदाजी करके जो डिस्टर्ब करने की बात है, मैं आप जो जो हजरात आए थे उन सबका शुक्रिया अदा करूँ। हमारे साथ वहीद पटेल भी है, वहीद पटेल से हम पूछेंगे कि आज जो यहाँ प्रोग्राम रखा गया और प्रोग्राम में जिस तरह से सभी समाज के लोग आए उन लोगों के बारे में और यहाँ के हमारे व्यूअर सदस्यों को आप क्या बताएंगे, क्या संदेश देंगे? अल्हम्दुलिल्लाह आज जो इमरान खान ने प्रोग्राम लिया है इफ्तारी का बहुत ही बेहतरीन रहा और ख़ास तौर पे इस शहर ने इस महाराष्ट्र को एक मैसेज देना था कि इस्लाम धर्म एक आना अमन पसंद जो है तो मज़हब है और हम अमन ही चाहते हैं और उसी ताल्लुक से इमरान खान ने जो इफ्तार पार्टी का जो प्रोग्राम रखा था इसमें हर मज़हब हर धर्म के लोग इसमें शामिल हुए। अल्हम्दुलिल्लाह कोई जात का आदमी ऐसा नेता या कोई इंसान नहीं रहा जो इस इफ्तार पार्टी में नहीं आया, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि वो आए और इस जो है तो इफ्तार पार्टी की शान बढ़ाए। इस और दूसरी बात ये है कि ये मुख्तलिफ लोग जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान भी देना नहीं चाहिए, वो उनकी गलतफहमी है कि हम लोग जो है तो अमन से खामोशी से और जो है तो अमन पसंद कर रहे तो वो हमारे को बुजदिली और कमज़ोर समझते होंगे, तो ये उनकी गलतफहमी और टाइम आने के बाद कौन कितने पानी में सब पता लग जाएंगे। बहरहाल वो बात करने का टाइम नहीं है, इमरान खान साहब को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन प्रोग्राम लिया और अल्लाह उनको दोनों जहाँ की कामयाबी। अस्सलाम वालेकुम, आज यहाँ पर परभनी शहर के अजमेरिया कॉलोनी में हमारे अजीज़ दोस्त इमरान खान साहब उर्फ RTO इन्होंने यहाँ पर रोज़ा इफ्तारी का प्रोग्राम रखा था और यहाँ पर परभनी शहर के बहुत सारे नेता मौजूद थे और इमरान भाई का यहाँ पर बहुत अच्छे से प्रोग्राम हुआ और हम सबको उन्होंने बुलाया, हमारी इज़्ज़त नवाजी की और यहाँ पर रोज़ा इफ्तारी का बहुत अच्छे से प्रोग्राम हुआ। हम इमरान खान साहब को बहुत मुबारकबाद देना चाहते हमारे सज्जू लाला मित्र मंडल की तरफ से और हमारे सभी साथियों की तरफ से, दोस्तों की तरफ से। और रहा सवाल ये भोंगों ने भोंगे पे बोलने का, तो क्या है मालूम है क्या, वो एक इंजन है, एक पार्टी है और एक ही नेता है, ऐसे लोगों के बातों को कोई ध्यान ना दे। हम सब जो है ना हमारे देश में आज तक चलते आ रहा है कि उनका एक सवाल था उस दिन गुड़ी पाड़वे के जो उन्होंने एक सभा रखी थी गुड़ी पाड़वे की शुभेच्छा देते हुए कि पहले उस ज़माने में भोंगा था क्या, उन्होंने पूछे, तो मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूँ, उस ज़माने में हमारे पहनने को कपड़े भी नहीं थे, थैले थे। और दूसरी बात ऐसी है कि उस ज़माने में ना मोबाइल था, ना टेक्नोलॉजी थी, ना लाइट था, ना कुछ था, लाइट बनी, भोंगा बना, मोबाइल बना, कपड़े बने, सिलाई मशीन बनी, हर चीज़ बनी। तो इसके लिए उनके बातों को इग्नोर करें और आने वाले दिनों में उनके औरंगाबाद में भी सभा है और उसका भी निश्चित करें। और ऐसे लोगों को मैं समझता हूँ कि हमारे मुँह से निकले हुआ लफ्ज़ किसी के बारे में अल्लाह के फजलो करम से हम ईमान वाले लोग हैं और हमारे ज़बान पे अगर किसी का नाम आया तो अल्लाह उसकी ज़िंदगी में तरक्की के 4 चांद लगा देता है। हम ऐसे लोगों का नाम अपने मुँह पर लेना नहीं चाहते और जो भी होगा अल्लाह के फजलो करम से हम हर चीज़ से लड़ना जानते हैं। दुनिया जब से बनी जब से इस्लाम के दुश्मन रहे हुए हैं और हमारे को अल्लाह ने जो है सो ताकत दी है और हम जब भी मैदान सामने होगा
तो जिस चीज़ से लड़ना है हमें, हम उस अकेले इंसान से लड़ेंगे, बाकी हमारे किसी से कोई हिंदुओं से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं। जो हमारे मजहब के खिलाफ बोलेंगे हम भी उसके खिलाफ बोलेंगे। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज़। हमारा न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहा है, इसीलिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।